आपको आज मैं अगर अपना 100% भी लगा के पढ़ा दूंगा ना, आप उसको भी शिद्दत से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दैट्स योर एटीट्यूड। ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, वो तो एटीट्यूड से आती है ना। जब एक पॉइंट के बाद आप बार बार अपने वापस उसी एटीट्यूड पे चले जाओगे तो आ जाएगी वो प्रॉब्लम। आपका बैकलॉग पता है क्या है, दिक्कत यह है कि तुम लाइफ के बीच में ना, मैंने ये अलग सर का ही स्टेटमेंट है कि, और MR सर ने भी मेरे को याद दिलाया था कि बच्चा क्या करता है ना, लाइफ के बीच में स्टडीज को मैनेज कर रहा है। लाइफ जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उसके लिए, घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ लोगों से बतियाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में वो स्टडी के लिए टाइम निकालता है। लेकिन रैंकर जो होता है ना, वो पढ़ाई के बीच में लाइफ जी रहा होता है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला बनना चाहते हो, कि आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो और उसके बीच में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, या फिर एक साल अपने आप को घिसना चाहते हो और पढ़ते पढ़ते जीना चाहते हो। वो अब आपका डिसीजन कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। बैकलॉग आपका हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि आप 100% एफिशिएंट इंसान नहीं है, ना ही मैं हूं। गलतियां तो होंगी रास्ते में। और आपने क्या सोचा था कि आप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% एफिशिएंट रहेंगे थ्रू आउट द सेशन, और अगर आपने ये सोचा है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, आपको अगर पता हो तो आप 100% एफिशिएंट नहीं रहेंगे। किस दिन आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, किस दिन खराब होगी, किस दिन मन नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कंसिस्टेंट जो रहेगा, कंसिस्टेंट मेहनत जो करेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी कहां गई। अब आप देखिए कि आपने जो वो सपना लिया था कि नहीं इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा या ये नहीं होने दूंगी, वो आपने क्या किया।